ये है मेरा लुक हेयर कट से पहले। ये देखिए दोस्तों, अब काफ़ी अच्छा फेडेड लुक आ गया है, आप देख सकते हैं इधर भी। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन और पेंडेमिक पीरियड में आप भी सेल्फ हेयर कट करना सीखें, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगेगा आपको भी, और आपको फालतू का जो पैसे और टाइम जो लगते हैं वो बच जाएंगे फ्यूचर में भी। आज हम इसका सेल्फ हेयर कट टेस्टिंग करके देखते हैं। सो हेलो गाइज, डॉक्टर गैजेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से वॉल के ट्रिमर का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि लोग इसका रिव्यू करिए, इसकी अनबॉक्सिंग करिए। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कुछ दिनों पहले की थी। ट्रिमर है ये सिर्फ हेयर के लिए है और ये AC से चलता है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, डायरेक्ट प्लग इन करके चलता है। वॉल अमेरिका की काफ़ी जानी मानी कंपनी है, को यूज़ करके हम एक फेडेड लुक अपने आप को देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम वहाँ तक कितने सफल हो पाते। दोस्तों, हमेशा नए ट्रिमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है शुरू में, मैं पहली बार करूँगा तो मैं परफेक्ट ना कर पाऊँ, बट प्रैक्टिस के साथ ये परफेक्शन आती जाती है। तो चलिए देखते हैं, मैं हमेशा की तरह मिरर लगाता हूँ और मिरर पे देख के कट करता हूँ और आपको साथ में बताते जाता हूँ कैसा परफॉर्म ये कर रहा है। दोस्तों, इसको यूज़ करने के बाद लास्ट में मैं फाइनल ओपिनियन दूंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक के। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हेयर कट से पहले मैं अपना लुक आपको बेसिक दिखा देता हूँ। ये है मेरा लुक हेयर कट से पहले, और पीछे के भी हेयर्स अगर आप देखें तो ऐसा है मेरा हेयर। और आपको ठीक लग रहा होगा बट मैं जनरली बेकार दिखने से पहले ही हल्का सा हेयर सेट कर लेता हूँ, और ये मैं कंटिन्यूसली करता हूँ। इससे मुझे सैलून भी नहीं जाना पड़ता और एक साथ बहुत सारे बाल भी नहीं काटने पड़ते और बहुत सारा समय भी नहीं देना पड़ता। तो आप भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 3 बड़े कॉम्ब है दोस्तों, जो कि यहाँ ऊपर यहाँ पर कट करने के काम आएगा। तो ये सारे आपको कॉम्ब मिलेंगे साथ में, मैं आपको और बाद में दिखा दूँगा। तो चलिए, हमेशा मैं साइड से शुरू करता हूँ, तो साइड से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिखते रहता है, तो ये बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए ये जगह। ये वॉल का क्लिपर, और आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है, यहाँ से रिलीज़ भी हो सकता है। तो ये है हमारा लेफ्ट ईयर टेपर। दोस्तों, इसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। कटिंग के मामले में तो काफ़ी फास्ट है ये, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये हेयर अगर क्लिपर प्रॉपरली होता है तो काफ़ी फास्ट तरीके से हेयर कट कर देता है, बहुत ही ईजिली और कुछ ही सेकंड्स में कट कर देता है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी इवनली करता है। तो हम ये परफॉर्मेंस में अच्छा है, साउंड वगैरह थोड़ा ज़्यादा है। आगे चलते हैं हम, अब हम ये लगा लेते हैं राइट ईयर क्लिप। तो दोस्तों, ये हो गया राइट साइड का टेपर, हम देख सकते हैं। अब हम बैक साइड के लिए जाएंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा बड़ा सेट कर लेते हैं। इसमें से अपने हिसाब से आप अंदाजे से सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हेयर की बात करें तो बड़ा हम 15-16 से ऊपर को बड़ा बोलेंगे, और छोटा की बात करें तो 8-6 से नीचे को छोटा बोलेंगे। मोटा मोटा हम बैक के हेयर्स के लिए अब यूज़ करते हैं 10 mm यूज़ करते हैं, ताकि हम सेफ साइड पर रहें। और मैं पीछे की तरफ घूम जाता हूँ, थोड़ा सा कॉम कर लें बीच बीच में। दोस्तों, ये दूसरा हाथ मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि कहाँ तक कि मुझे जाना है ऊपर, कहाँ तक लिमिट है, तो एक हैंड रखने से एक आइडिया हो जाता है। और दोस्तों, जैसा हमेशा की तरह लास्ट में आपको, जब पहले मोटा मोटा काट लेंगे, बाद में फिनिशिंग देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब हम ये टॉप के हेयर्स के लिए सबसे बड़े नंबर लगा के देखते हैं, 25। तो दोस्तों, ये है 25। दोस्तों, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कौन सा कॉम लगाना है, तो आप पहले ये देख लें कि कॉम को ऐसे रख के देख लें कि ये हेयर इसके बाहर आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये इतना लेंथ ही छोड़ेगा। कई लोग ये पूछ रहे थे कि कॉम में नंबर ज़्यादा होने से क्या होता है कम होने से, तो मैं आपको बता दूँ, कॉम का नंबर ये बताता है कि इतना लेंथ आपका कटेगा नहीं, 25 mm का बाल आपके सर पे बचा रहेगा और उसके ऊपर का कट हो जाएगा। देखिए, मैं ऐसे टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे बाल इससे हल्का ऊपर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कट होगा इसमें, तो ट्राई करते हैं एक बार। ये हो गया है मोटा मोटा सेट, ऊपर के बाल भी कट हो गए हैं। अभी टाइम है फिनिशिंग देने का। दोस्तों, फिनिशिंग का मतलब ये होता है कि हमने दो लेंथ काटा है, उसके बीच का जो पोर्शन है यानी ट्रांजिशन जोन जिसको बोलता हूँ मैं, तो वो फेडेड होना चाहिए, मतलब अचानक से बाल
बड़े से छोटा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच का साइज बीच में कट करेंगे। यहाँ हमने लगाया था ईयर वाला और यहाँ पे लगाया था 25, तो यहाँ पे हम बीच का कोई नंबर लेंगे और उसको टेपर करते हुए कट करेंगे। 10 से हम इसको सेट कर सकते हैं और ये काम बहुत ध्यान से करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब काफ़ी अच्छा फेडेड लुक आ गया है, आप देख सकते हैं। इधर भी बैक का भी हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, बैक का तो हमने 10 पे ही कट किया है, तो कोशिश कर सकते हैं कि उसको सेट करने की। दोस्तों बैक के लिए किसी ने मुझे सजेस्ट किया है, व्यूअर ने, कि छोटा मिरर लेके हम बैक का देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से रख के, तो वो भी कोशिश करके देखते हैं आज। मैं बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट हेयर कट पर यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि बाल थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो तो चलता है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, खास तौर पे बैक के हेयर्स, तो इसलिए मैं बिना देखे कट कर देता हूँ अंदाजे से, और समय भी नहीं होता है कि मिरर लाओ सेट करो देखो। आज मैं मिरर के साथ करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैंने छोटा मिरर ले आया है पीछे के हेयर्स को देखने के लिए। इसके लिए चश्मा लगेगा क्योंकि दूर पड़ रहा है। पीछे थोड़ा फिनिशिंग देने की और ज़रूरत है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों अभी लाइट गोल हो गई है और ये डायरेक्ट प्लग इन करके ही चलता है, तो मैं इससे आगे अभी नहीं कर पाऊँगा, और यही प्रॉब्लम होती है अगर आपके ट्रिमर में बैटरी वाला ना हो तो। लाइट आ गई है वैसे, अभी फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों मेरा बेसिक हेयर कट। थोड़ा सा यहाँ पे छूटा हुआ, इसको भी कट कर लेते हैं। ये दोस्तों फाइनल कट। दोस्तों ब्लेड की हीटिंग की बात करें तो कोई भी हीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बहुत ही नॉमिनल, ज़ीरो हीटिंग है अभी तक, तो ठंडा हो गया। दोस्तों इस बार मैं सारे कॉम्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कम फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो यूज़ करता जाऊँगा। दोस्तों वॉल का साउंड की मैं बात कर रहा था, तो क्योंकि हम अभी तक के फिलिप्स या पैनासोनिक के जो बियर्ड ट्रिमर या हेयर प्लस बियर्ड ट्रिमर यूज़ कर रहे थे, उसके साउंड काफ़ी कम होते हैं। ये एक एसी पे चलने वाला, मतलब डायरेक्ट प्लग से चलने वाला ये ट्रिमर है, और हेयर के लिए है, थोड़ा पावरफुल मोटर है, इसलिए साउंड ज़्यादा है। धीरे धीरे आप यूज़ टू हो जाते हैं अगर आप कट करते हैं तो, क्योंकि आप सलून भी जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है उनका मशीन कई बार, तो ये कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। साउंड अभी ठीक लग रहा है यूज़ करते करते। ये अभी इधर का लुक और ये मेरे राइट साइड का लुक। यहाँ पे कुछ हेयर्स बच गए हैं, इसको कट करना होगा। दूसरा मिरर यूज़ करके काफ़ी फ़ायदा हुआ, जो ये छूट रहा था साइड का या बैक का, काफ़ी अच्छे से दिख गया। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट मैं ये देना चाहूँगा हेयर कट करने के बाद कि वॉल का ये ट्रिमर काफ़ी फास्ट है। थोड़ा साउंड ज़्यादा है क्योंकि इसका मोटर स्ट्रांग है, बट बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, आपको आदत पड़ जाएगी। क्योंकि हम अभी तक के फिलिप्स के बियर्ड ट्रिमर से ही हेयर कट करते थे या पैनासोनिक के हेयर एंड बियर्ड से करते थे, तो उसके साउंड कम होते थे। इसका मोटर स्ट्रांग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड है, काफ़ी फास्ट है इसका ब्लेड। दोस्तों जो प्रॉपर हेयर कटिंग के लिए ट्रिमर आते हैं उससे कट करने का हेयर अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको लेकर, और थोड़ा सा वाइब्रेशन और जो साउंड का आपको प्रॉब्लम आ सकता है शुरू में, बट आदत पड़ जाएगी उसकी। या फिर मुझे अगर कोई कम साउंड वाला फ्यूचर में हेयर कटिंग क्लिपर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। दोस्तों जो इतने सारे कॉम मिले हैं उससे काफ़ी एक्यूरेटली अब काफ़ी आप लेस कम्बरसम तरीके से आप हेयर कट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इवन कटिंग होती है और टेपरिंग भी बहुत इजीली हो जाती है। इसमें 10 कॉम्स दिए हुए हैं तो काफ़ी वैरायटी है, आप पूरी फैमिली का, घर के बच्चों का आप घर पर ही हेयर कट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस था। बट ये क्योंकि डायरेक्ट पावर से चल रहा है, एसी करंट से चल रहा है, तो इसमें वाइब्रेशन और जो है साउंड ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्ट बिना बैटरी से डायरेक्ट चलता है। वॉल का मैं बैटरी वाला भी ट्रिमर लेके देखूंगा दोस्तों, और आपको ज़रूर बताऊँगा इस चैनल पर रिव्यू उसका। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ही सेल्फ हेयर कट सीखिए और इंडिपेंडेंट रहिए और हमेशा ग्रूम्ड दिखिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों ये 10 कॉम्ब आपको मिलते हैं इस वॉल के हेयर क्लिपर के साथ। ये सिर्फ हेयर क्लिपर है, ये ध्यान दीजिए, और यहाँ पे जो मैंने कट किए हैं हेयर वो भी पड़े हुए हैं।